हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको एक बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाले हैं जो निकल के आ रहा है बिहार सरकार की तरफ से, यानी फसल सहायता योजना 2021 के लिए। यहां पे खरीफ फसल धान मक्का सोयाबीन हेतु आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम दिखा दें अप्लाई का डेट आपको कब तक है, तो यहाँ पे हम आपको दिख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको एक पेपर कटिंग के माध्यम से बताने वाले हैं। साथ साथ इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 31 जुलाई 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले अप्लाई करना होगा तभी आपको लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बताया गया कि खरीफ के लिए फसल सहायता योजना कार्यक्रम जारी है और फसल नुकसान होने पर किसानों को मिलेगा मुआवजा, यानी इसके लिए आपको पहले ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे कैसे मिलेगा मुआवजा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा देर, यहाँ पे देख सकते हैं इच्छुक किसानों को ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन करना अनिवार्य होगा। इसी निबंधन को आवेदन माना जाएगा। जो किसान ऑनलाइन निबंधन नहीं करा पाएंगे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो रैयत हो या गैर रैयत, किसानों दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिले के जितने भी 38 जिले हैं और 527 जो ब्लॉक हैं सभी के किसानों को लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कब लाभ मिलेगा, तो उसमें बताया गया कि आपका जो लाभ है 15 मार्च 2022 तक आपका जो लाभ मिल जाएगा। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको 7500 से आपको 10000 रुपये तक का लाभ मिलेगा। 31 जुलाई से पहले आपको आवेदन करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इसके लिए हम आपको चलते हैं ऑप्शन पेज। ऑफिशियल पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप अगर निबंधन करा चुके हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, निबंधन अगर नहीं किया है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कीजिएगा। अगर निबंधन आप करा चुके हैं तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मिलेगा फसल सहायता है तो आवेदन के लिए लिंक पे क्लिक करें, तो यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के आपके सामने इसका ऑफिशियल पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको 50 KB के अंदर फोटो लगेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको पहचान पत्र की 400 KB के अंदर आपका एक PDF फॉर्म में होना चाहिए, यानी पहचान पत्र भारत सरकार द्वारा निर्गत हो, आपका बैंक का पासबुक लगेगा और आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। इतना अगर है तो आपको क्या करना होगा, अगर नए कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले, तो फ्रेंड्स अगर आप पहले कभी आवेदन कर चुके हैं फसल सहायता योजना के लिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड और जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पे फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लेकिन आप पहली बार यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं उस कंडीशन में सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मांगा जाएगा आपका जो किसान रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसका नंबर, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद आपको सर्च वाला क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपका सभी डिटेल नीचे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका सभी डिटेल्स, यहाँ पे आपको जो भरा होगा, जो नहीं भरा होगा उसको आपको भर लेना होगा। तो आपको यहाँ से अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, पंचायत जो भी हो आप पंचायत अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको अपना राजस्व गांव सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो सभी डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे आपको किसान का नाम फिल कर देना होगा। यहाँ पे आपको किसान का नाम हिंदी में फिल कर देना होगा, किसान के पिता का नाम इंग्लिश में और किसान के पिता का नाम हिंदी में आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा जिसका अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से उनका कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा। पासवर्ड कैसे क्रिएट कीजिएगा, तो अपने नाम का, जैसे मेरा नाम यहाँ पे समीर है तो मैं कैपिटल SAMIR उसके बाद 12 जो आपको रखना है उसके बाद @ डाल दीजिएगा या हाजिर डाल दीजिएगा जो आपको हो, लेकिन आपको इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करना है। इसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल कर देना, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना। इतना करने के बाद आपको सुरक्षित करने पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे अब आपको मिल जाएगा आपका पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड होगा यहाँ पे। उसके बाद पासवर्ड को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको लॉगिन के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप लॉगिन के लिए क्लिक कीजिएगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा फिर आप होम पेज पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जो पासवर्ड बनाया पासवर्ड यहाँ पे, और जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ फिल करके उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप आ जाएगा इस पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आप अगर मोबाइल नंबर बदलना चाहते हो तो यहाँ पे आप बदल सकते हैं। अगर नहीं बदलना चाहते तो आपको आगे आना है, और आगे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, उसके बाद यहाँ पे आधार पर जैसा आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अंग्रेजी में जिस प्रकार का नाम लिखा हुआ है उस तरह आपको डाल के उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। वेरीफाई एंड सेव पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका जो आधार है वो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आधार अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यक्तिगत जानकारी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद
आपका एड्रेस पूरा एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको किसान का प्रकार सेलेक्ट करने का मिलेगा। यहाँ से आप फिल कीजिएगा, बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप किसान का प्रकार सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक कौन सा है, बैंक का डिटेल्स आपको डाल देना है। तो मेरा पंजाब नेशनल बैंक है, तो मैं यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल्स फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक शाखा का नाम आपको डाल देना है। उसके बाद बैंक IFSC कोड और अपना खाता नंबर डाल के आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आते ही यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट डिटेल्स आपका, यानी आपको जो जानकारी है व्यक्तिगत जानकारी भर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो नंबर पे क्लिक करना है, जो आपका फील होता जाएगा यहाँ पे ग्रीन टिक होता जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको अपना 50 KB के अंदर में आपको फोटो अपलोड कर लेना होगा। फोटो यहाँ पे करने के बाद, यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डेट फोटो का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक कर इस तरह जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको PDF में आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपना पासबुक अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे आप दस्तावेज पर क्लिक कीजिएगा, कौन सा दस्तावेज आप अपलोड कर रहे हैं उस दस्तावेज का कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। इसमें से कोई भी एक दस्तावेज आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दस्तावेज अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड पे क्लिक कीजिएगा तो आधार कार्ड ही आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको गो होम पेज पे आपको क्लिक कर देना है। होम पेज पे जब आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन वाला जो सेक्शन है उसमें का तीनों यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, आपको अब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे आवेदन वाला ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे फसल सहायता योजना संबंधित विवरण पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको अपना जो डिटेल्स मांगा जाए वो डिटेल्स आप फिल कीजिएगा। यहाँ पे किसान रैयत है तो रैयत, गैर रैयत तो गैर रैयत आप फिल कीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना खाता नंबर फिल कर देना होगा। यहाँ पे आपको अपना खेसरा नंबर और यहाँ पे आपको अपना कुल डिसमिल कितनी है पूरा डिटेल्स फिल कर देना होगा। पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे धान फसल, यहाँ पे धान की बुआई का क्षेत्र यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपना कुल डिसमिल डालिए, कितनी क्षेत्र में आपके धान की बुआई हुई है। उस पर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे मिलेगा सेव वाला ऑप्शन, तो सेव वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना LPC या अपना जमीन का रसीद आपको अपलोड करना होगा और यहाँ पे आपको आपका घोषणा पत्र आपको अपलोड कर देना होगा। अगर आप जमीन का रसीद लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेट डालना होगा कि किस डेट का आपका जमीन का रसीद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जिस डेट का होगा उस डेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अंतिम आवेदन को जो अंतिम रूप देना है यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स शो हो जाएगा। सभी डिटेल्स शो हो जाए तो उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप पूरा डिटेल्स अपना एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने में अगर आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहचान पत्र, आवासीय, बैंक और यहाँ पे देख सकते हैं भू स्वामित्व और घोषणा पत्र। यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलेगा आपको, अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP मांगा जाएगा, तो गेट OTP पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। OTP फिल कर देने के बाद आपको जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखा रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म होगा वो फाइनल सबमिट, उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद टर्मिनल कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको एक पॉपअप पेज दिखाई देगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप इसको फाइनल रूप से सबमिट करना चाहते हैं, तो या आप इसको यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यस जैसे कीजिएगा, आपका फॉर्म है जो फाइनल सबमिट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से उसका पेज शो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का। तो आपको क्या करना होगा, इसको प्रिंट करके और आपको अपने पास रख लेना होगा। प्रिंट कैसे करना हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पेज को शेयर कीजिएगा और शेयर करने के बाद आप इसको पेज कर यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप इसको कहीं पर भी अपनी इच्छा अनुसार इसको शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा प्रिंट पे प्रीव्यू ले लेगा और प्रीव्यू लेने के बाद जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का छोटा सा अपडेट। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलता है फिर किसी नए अपडेट, नए वीडियो में, नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।